कॉलम को मर्जिंग जो सेल्स पे करते हैं वो कैसे करते हैं, यहाँ देखिए ज़रा, ओके हो गया। यहाँ पे वही सेम टेबल का टैग लिया हमने, ठीक है। टेबल का टैग लेने के बाद यहाँ पे बॉर्डर मैंने टू कर दिया, बैकग्राउंड कलर दे दिए जो अभी प्रीवियस एग्जांपल में आपने किया था, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ मैंने ऐड कर दी, कैप्शन। कैप्शन आप कैप्शन कह लो उसको, फॉन्ट कह लो, टाइटल कह लो, जैसे आपको। यहाँ एक ये भी एक टैग है HTML का, मैंने कहा जहाँ आप चाहो इसको यूज़ कर सकते हो। तो टेबल के अंदर मैंने इसको दे दिया जी, इसका टेबल का मैंने क्या कह दिया, इसको क्रिएटिंग अ टेबल। इसके अंदर मेरा टेबल का मैंने पहले हेडिंग दिया। आप यहाँ पे मैं रो नहीं डाल रहा हूँ, ये टेबल हेडिंग, आप इसको कॉलम भी कंसीडर कर सकते हो। टेबल हेडिंग हमारे पास, उसकी अलाइनमेंट मैंने सेंटर कर दी, क्योंकि अभी जब मैं रन करूँगा तो आपको अंदाज़ा होगा अलाइनमेंट, आपको पता है लेफ़्ट राइट सेंटर और जस्टिफाई, ये तीन अलाइनमेंट होते हैं। ये आप वर्ड और एक्सेल बाकी चीज़ों में पढ़ चुके हैं, यहाँ पे भी वही होगा, लेकिन इसके लिए यहाँ कोडिंग कर रहे हैं वहाँ आप माउस के थ्रू, ठीक है। कॉलम को हम मर्ज कर रहे हैं, स्पैन कर रहे हैं, क्या है, थ्री उस तक रोज तक दो ग्रुप बनाए, जैसे हमने एग्जाम्पल उस वक्त देखा था, एक ग्रुप है और एक ग्रुप बी, दो कॉलम, ठीक है। दो कॉलम मैंने उठाए टेबल हेडिंग, टेबल हेडिंग मतलब दो कॉलम, एक ग्रुप ए एक ग्रुप बी, और तीनों ने दोनों कॉलमों ने जो ग्रुप ए ग्रुप बी जो कॉलम है उन्होंने क्या किया, अपने नीचे तीन जो कॉलम्स आ रहे हैं उनको मर्ज किया हुआ है, उनका उनका वो रिप्रेजेंट कर रहा है उनको हेडिंग के तौर पे, ग्रुप ए और ग्रुप बी हेडिंग के तौर पे रिप्रेजेंट करता है, कर रहा है खुद को नीचे दिए हुए तीन जो है ना किसके, तीन जो आपके कॉलम्स आ रहे हैं उनको। अच्छा जी, फिर मैंने नीचे रो बनाया, उनके कॉलम तो दो बना दिए मैंने, ग्रुप ए ग्रुप बी, रो बनाया मैंने। रो में मैंने क्या किया जी, कितने छः आइटम रख दिए, इसलिए मैंने नंबर दे दिया, आपको समझ आए। दो कॉलम दे दिए मैंने, ग्रुप ए और ग्रुप बी, टेबल हेडिंग, टेबल हेडिंग ग्रुप ए का और बी का, ही दो कॉलम हो गए, टेबल हेडिंग मतलब उसका कॉलम हो गए। उसके नीचे मैंने फिर एक रो दे दिया, ठीक है, ये टेबल रो है, ठीक है, ये टेबल रो है। इस टेबल रो में मैंने क्या किया, एक दिया वन, फिर उसके बराबर में टू, फिर थ्री, फिर फोर, ये फाइव। अब इससे क्या हुआ, ऊपर मैंने इसको बता दिया कि भी तीन तीन का आप क्या करोगे, उसको मर्ज करो तीन रोज को, नीचे जो छः बने हुए ना, नीचे वन से लेकर सिक्स थे, उनमें से तीन को अलग मर्ज करो, तीन को अलग मर्ज करो, एक को ग्रुप ए का नाम दो, एक को ग्रुप बी का, जो मैंने ऊपर HTML में इसको डिफाइन कर दिया नोट पैड को, ठीक है। अब इसको जब मैं रन कर रहा हूँ यहाँ पर, इसका रिजल्ट आपके सामने क्या आ रहा है जी, चले ना भी हो, ठीक है। ये कैप्शन आ गया आपका ऊपर, क्रिएटिंग अ टेबल कैप्शन, एक सिंपल टैग है, स्पेलिंग आप याद कर लो, उसमें भी NI भूल जाओगे तो वो नहीं होगा, ठीक है। ये मैंने आपको बताया, ये टेबल हेडिंग वन है, इसमें मैंने आगे टेबल हेडिंग TH करके, इसको भी नीचे मैं खोल देता हूँ एक मिनट आपको, ताकि ये भी साथ में समझ आ जाए। अब आपको ये समझ में आएगा यहाँ पर, ये देख रहे, ठीक है। अब ये मैंने इसको क्या की दिया, टेबल अलाइन इसको सेंटर किए, अगर मैं इसको सेंटर को एक को कर देता हूँ मैं राइट, अब आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। अलाइनमेंट इसकी जो मैंने कर दी, इसको मैंने राइट RIGHT राइट, इसको मैं कर देता हूँ लेफ्ट, ठीक है। और कॉलम टेबल हेडिंग की बात आ गई, मतलब कॉलम की बात आ गई, और कॉलम का शॉर्ट लिख रहे हैं, कोडिंग हमेशा शॉर्ट होती है, जैसे TH टेबल हेडिंग है पूरा इसका एब्रीविएशन, लेकिन कोडिंग में टैग में TH कह रहे हैं। इसी तरह कॉलम मर्जिंग को, कॉलम स्पैनिंग को हम कॉल स्पैन यहाँ पे लिखा हुआ है, टैग जो बाय डिफ़ॉल्ट HTML का है, ठीक है। और इक्वल टू इसको थ्री कर दिया मैंने, ठीक है, और ये कर दिया। अब इसको मैं सेव कर देता हूँ, अब देखते हैं क्या होता है। मैंने सिर्फ अलाइनमेंट चेंज किया है, वो आपका चला गया राइट पे ए वाला, और ये चला गया आपका लेफ्ट पे, ठीक है, सिर्फ वो चेंज किया। अब एक और मैं थोड़ा आपको करके बताता हूँ ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो। इसको मैं कर देता हूँ छः है हमारे पास, तो हमको डिवाइड उसी हिसाब से करना है। मैं इसको कर देता हूँ टू, इसको कर देता हूँ, अब यहाँ मुझे कितना करना पड़ेगा जी, बताए कोई मुझे, फोर, गुड, ठीक है। छः आपने बनाए हुए, आपको पता है आपका टेबल है, आप ग्रुपिंग कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए। मैं अगर मर्ज कर रहा हूँ तो दो को अगर मर्ज कर रहा हूँ, पीछे मेरे पास कितने रह गए, चार रह गए, तो चार को आप चार ही देना पड़ेगा। आप देखते हैं इम्प्लीमेंट होता है, अब समझ में आ रहा है। वन और टू को इसने मर्ज कर दिया, दो कॉलम्स को, और उस तरफ चार को ही मर्ज कर दिया ऊपर हेडिंग के तौर पर। तो कुछ ऐसे टेबल बनाते हैं हम,
कि उसके नीचे रोज ज़्यादा हैं, लेकिन उसके ऊपर का जो रो होता है हम चाहते हैं ये नीचे के तीन चार कॉलम पे इसका एक ही रो हो, तो वहाँ हम मर्जिंग यूज़ करते हैं। अभी यहाँ पे सिर्फ हम कॉलम को मर्ज कर रहे हैं, सिर्फ साइड पे जो मर्जिंग होती है, मतलब इस तरह से हॉरिजॉन्टली कॉलम के लिए। अब वर्टिकल के लिए भी इसी तरह है, लेकिन वो उसका क्या होगा, वो रो स्पैन होगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको। मैंने इसलिए इसको प्रैक्टिकली आपको चेंज करके भी दिखाया कि अलाइनमेंट चेंज करने से क्या होगा, वो लेफ्ट राइट हो गया। अब दोबारा इसको मैं सेंटर करूँ तो ये फिर बी को, जैसे मैं दोबारा बी को सेंटर कर देता हूँ, ग्रुप बी को, अब देखेंगे फिर सेंटर पे चला जाएगा। क्लियर हो रहा है, अब समझ आ रहा है कुछ? मेरे ख्याल से अभी तो आप पिक कर लेना चाहिए।